फ्रेंड्स नमस्ते, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल। सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां कट किया है, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, 4-5 लहसुन, थोड़ा सा अदरक, बीन्स, गाजर, ये सारे सब्जी को मैंने अच्छे से धो के क्लीन करके कट कर लिया है। आप इसके बदले दूसरे भी सब्जी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी बनाते हैं सूप। सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है, उसमें 1 स्पून बटर डालेंगे, फिर इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर अभी इसमें जो कट करके रखा था लहसुन उसको डालेंगे, फिर अदरक डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में, ताकि अदरक लहसुन का स्मेल चला जाए। अभी इसमें कट करके जो रखा था चिली, ग्रीन चिली, उसको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे कैप्सिकम, फिर डालेंगे गाजर। आप इसमें दूसरे सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अभी इसमें डालेंगे बीन्स। अभी इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, ताकि सब्जियों का अंदर जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। ये सूप बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें मैंने 5-6 लहसुन भी डाला है, तो जिसको कोल्ड का प्रॉब्लम होगा ये भी इससे दूर होता है। इसमें अभी थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस का वजह से अभी का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। इसके लिए अभी हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सूप बनाया है, जिसमें मैंने लहसुन डाला है, लेमन डाला है, जैसे हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट होने में आपको हेल्प करेगा। अभी देखिए, सूप को अभी हम कवर कर लेंगे। कवर करके इसको लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अभी 15 मिनट हो गया है, ढक्कन खोल लिया है मैंने। ये देखिए, सब्जी अच्छे से हो गया है। अभी इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अभी इसको 1-2 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रखेंगे। अभी इसको कवर कर लेंगे। इसी बीच हम वाटर और कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 स्पून कॉर्नफ्लोर का यूज किया है और 1 ग्लास पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इजीली मिक्स हो जाता है पानी में। ये देखिए, ऐसे ही हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अभी सब्जी अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी इसमें हम जो कॉर्नफ्लोर का वाटर का मिक्स बनाए थे उसको ऐड करेंगे, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको तुरंत चलाते रहिए। कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, 1/2 स्पून, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से सूप बन रहा है। अभी इसमें हम थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ता डाल लेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे तरह से हमारा सूप रेडी हो गया है। इसको हम कवर कर लेंगे, बस 1 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं इस सूप को सर्व कर रही हूँ। सर्व करने के बाद 1 चम्मच लेमन का जूस ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सूप हो गया अभी रेडी।
अभी बारिश का सीजन भी आ रहा है और सूप बारिश का सीजन में सबको बहुत अच्छा लगता है। अब गरम गरम सूप अपने घर में बना के जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूप कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।